हाय दोस्तों, आज हम केरला स्टाइल ड्रमस्टिक करी बनाएंगे। बहुत ईजली बना सकते हैं ये बनाने के लिए ड्रमस्टिक चाहिए। ये तो फ्रोजन है इसलिए ऐसा दिख रहा है कलर। और अब हम छोटे ऑनियंस डालेंगे, फिर इसमें टमाटर डालेंगे, उसके बाद ग्रीन चिलीज डालेंगे, फिर नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, फिर इसमें हल्दी डालना है और चिल्ली पाउडर डालना है। चिल्ली पाउडर तो आपके स्पाइस के हिसाब से, वो भी ऐसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कड़ी पत्ते भी डाल के फिर पानी डालेंगे हम। पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी तो ये सब कवर होने तक ऐसे डालेंगे और अब इसको कुक करने के लिए रखेंगे, ढक के रखेंगे। तब तक हम नारियल का एक पेस्ट बनाएंगे। बस नारियल और पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब देखिए, ये टमाटर और ये ड्रमस्टिक वगैरह अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें आम डालेंगे। 4-5 पीसेस डाल रही हूँ मैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए तो ये आम स्किप कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये कंपलसरी नहीं है कि आम डालना है करके, क्योंकि टमाटर भी डाल रहे इसलिए। मैं तो ऐसे थोड़ा सा खट्टा चाहिए था मुझे, तो इसलिए आम डाला। अब हम जो ग्राइंड करके रखा हुआ नारियल का पेस्ट है वो डालेंगे, और पानी आपके हिसाब से ज़्यादा डाल दीजिए। ये अगर चपाती के साथ खाने के लिए आप बना रहे तो आप पानी थोड़ा कम डाल दीजिए। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे। ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे थोड़ा सा उबाल आ गया तो हम ऐसे इसको बंद करेंगे, स्टोव फ्लेम बंद करके रखेंगे। अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। नारियल के तेल में मस्टर्ड सीड्स डालना है, छोटे अनियंस डालना है, कड़ी पत्ते, लहसुन और ड्राई चिलीज डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये तड़का हमारा जो ड्रमस्टिक करी में डालेंगे, बस हो गया ड्रमस्टिक करी। बहुत ईजी करी है। केरला में तो बहुत सारे वेराइटीज़ के ड्रमस्टिक करी है, उसमें से एक है ये। ये आप ट्राई करके देख लीजिए और बता दीजिए कि ये कैसा लगा करके। और बाकी ड्रमस्टिक करी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ आगे के वीडियो पर। अब इतना ही है आज का वीडियो। आप सब लोग ये ट्राई करके देख लीजिए, और ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना ना भूले। और ये चावल के साथ खाना बहुत टेस्टी लगता है। आप सब लोग ज़रूर ऐसे ही ट्राई करके देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।